गाइस आज हम जाने वाले हैं गुजरात के साबरमती आश्रम। मेरे साथ कौन कौन जा रहे हैं? चार पांच लोग हैं हम लोग जाने वाले। सभी कोई भी साबरमती आश्रम जा रहे हैं। लोग को पास कैश नहीं है तो वो लोग जा रहा है एटीएम कैश निकालने के लिए। ब्रेड चॉप खाने के बाद आपसे बात करते हैं। सो गाइस इस वक्त हम पहुँच चुके हैं साबरमती आश्रम। देख सकते ये एंट्री गेट है एकदम। ये रहा हमारे दोस्त लोग। हाय, चलिए अंदर जाके आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ का तो यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, जाके आपको व्यू दिखाते हैं अंदर का। देखते हैं संग्रहालय में क्या क्या है। काफ़ी पुराना है, महात्मा गांधी जी यहाँ पर रहते थे। सो गाइस इस वक्त हम पहुँच चुके हैं गांधी आश्रम के पास। देख सकते हैं यहाँ पे एक चरखा रखा हुआ है, काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी पुराना भी हुआ है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आज घूमने के लिए आए हुए हैं। नवरात्रि के दिन में मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ। ये देखिए हमारे संस्कृति के बारे में कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। और भी काफ़ी पुराने पुराने दस्तावेज यहाँ पे एकदम ओरिजिनल, इसको अच्छी तरह से लेमिनेट करके रखा गया है। और जो गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सारे बहुत सारे ऐसे आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जितने भी गांधी जी द्वारा आंदोलन किए गए सारे आंदोलन यहाँ पे लिखे गए हैं अच्छी तरह से। वो भी एकदम जो एकदम ओरिजिनल कागज वही यहाँ पे लेमिनेट करके रखा गया है और इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है। कहा जाता है कि गांधी जी यहाँ पे अपने साथियों के साथ यहाँ पे बैठा करते थे और वो मीटिंग लिया करते थे। ये देखिए गांधी जी जब नमक की यात्रा के दौरान अपने 78 सहयोगियों के साथ अंग्रेजी कानून को उल्लंघन कर रहे थे। यह वो तस्वीर है, फुटेज देख सकते हैं। गांधी जी नमक बना रहे हैं समुद्र के पास और अंग्रेजी कानून को विरोध कर रहे हैं। ये पुतला बनाकर दिखाया गया है गांधी जी के साबरमती आश्रम के पास। अगर आपको भी घूमना है तो यहाँ पर आकर ये दृश्य देख सकते हो। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर सत्याग्रह के बारे में दिखाया गया है किस प्रकार हुआ था और सारे दस्तावेज यहाँ पे अच्छी तरह से रखा गया है। तो यहाँ पे कुछ स्वच्छता स्वदेशी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बेटी प्रेम, स्त्री शक्तिकरण, स्त्री पुरुष विमान और स्प्रीता, स्वास्थ्य सुचिता, आचार, सारे कुछ के बारे में दिया गया है। कुछ गांव तरह का बनाया गया है यहाँ पे, पता है तो आपको कमेंट करके बताइए। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कुछ गांधी जी के बारे में। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे गांधी जी के कुछ बारे में लिखे हुए हैं। अरे सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे गांधी जी बैठे हुए हैं। सो गाइस आप भी गुजरात आए तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जरूर घूमें। यहाँ पे गांधी जी के बारे में या गांधी जी आश्रम आए यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी कुछ गांधी जी द्वारा किए गए काम, पोस्टर जो गांधी जी द्वारा लिखे गए, सत्याग्रह आंदोलन, सब जितने भी पुस्तकें वगैरह सारे कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। म्यूजियम में रखा हुआ देखने को मिलेगा आपको काफ़ी कुछ। देख सकते हो यहाँ पे आप कितना ख़तरनाक व्यू है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है और हम लोग गर्मी में घूम भी रहे हैं। घूमना है तो घूमना है, बस गर्मी कितना भी लगे। देख सकते हो यहाँ पे गांधी जी पे एक पुतला बना हुआ है। किधर है? सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुराना पुराना फ़ोटो है ये सब। गांधी जी के सोचा था 2 अक्टूबर को यहाँ पे आने के लिए, लेकिन 2 अक्टूबर को कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाए यहाँ पे। आज यहाँ नवरात्रि के अवसर पे यहाँ घूमने के लिए आए। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चरखे हैं यहाँ पे गांधी जी द्वारा। बड़े बड़े चरखे हैं।
काफ़ी अलग अलग प्रकार के बड़े छोटे। ये देखिए पुराने ज़माने की मशीन, काफ़ी पुराना है। यहाँ पे ये देखिए गांधी जी का बड़ा चरखा। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे तरह तरह के पेन है और तरह तरह के पेंसिल और की रिंग, काफ़ी कुछ यहाँ पे गांधी जी के लोगो लगे हुए हैं इस पर। और आप आए तो यहाँ पे आप परचेज़ भी कर सकते हो, जिसके आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। यहाँ पर आए तो आप कुछ सामान लेकर जाए जिससे आपको याद रहेगा। तो मैंने एक की रिंग लिया क्योंकि मुझे लंबे टाइम तक याद रहेगा कि हाँ मैंने गांधी जी के आश्रम घूमने के लिए आया था। और पुस्तक भी काफ़ी सारा है यहाँ पे, पुस्तक भी ले सकते हो। तो गाइस यहाँ पे घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हम लोग को, काफ़ी कुछ पुराने पुराने चीज़ भी देखने को मिले जो कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। यहाँ पे देख के काफ़ी अच्छा लगा और एक सपना था कि गांधी जी का आश्रम घूमने का, वो भी आज पूरा हो गया। काफ़ी मज़ा आया आज घूमने में यहाँ पर।